Please subscribe my channel and press bell icon for latest update. Thank you. Assalamualaikum, welcome to my channel Cooking Baking with Us. आज मैं बनाने जा रही हूँ सेमोलिना कोकोनट केक। जिसके लिए मैं 3 eggs लिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 100 milk, 100 ml milk हो गया हमारा और 100 ml हमारा कुकिंग ऑयल ये डाल दिया हमने। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाएं। अब शुगर पाउडर डालेंगे 100 ग्राम। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। कोकोनट पाउडर डालेंगे इसके अंदर 50 ग्राम। 2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे इसके अंदर। अब इसमें 170 ग्राम सूजी डालेंगे, बारीक फाइन सूजी डालेंगे। अगर आपके पास मोटी है तो उसको जरा से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। अब ये मैंने डिश में निकालूंगी इसको। मैंने इसको ग्रीस करके मैदे से फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं ये बैटर जो बनाया वो डालती हूँ। अब ये सारा इसके अंदर पोर कर देते हैं और इसको हम 180 डिग्री पे हम रखेंगे 20 से 25 मिनट तक। ठीक है, इसको मैं ओवन में रखती हूँ। अभी देखिए 20 मिनट्स में हमारा केक रेडी हो गया। मैंने इसको निकाल लिया था। अब इसको मैंने रेड ग्रिल पे रखा हुआ है। निकाल लिया। नॉर्मल हो गया थोड़ा सा। अब इसको हम थोड़ा सा अब ये हमारा नॉर्मल हो गया। उसको हम डिश में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम शुगर सिरप लगाएंगे ताकि केक हमारा सॉफ्ट रहे। अब इसमें हम एप्रिकॉट जैम लगाएंगे। ये मैंने हल्की सी गरम कर ली थी तो ये ऐसी हो गई है हमारी। अब इसको लगाते हैं पूरे केक पे लगा देंगे हम। पूरे केक पे हमने एप्रिकॉट जैम लगा दिया। अब हम इसमें कोकोनट पाउडर डालेंगे। आप जो चाहे जिस तरह चाहे गार्निश करें। मैं इस तरह लगा रही हूँ इसको। देखिए मैंने कोकोनट लगा दिए। अब मैंने रोस्टेड पैनट्स लिए। इसको थोड़ा सा मैंने हल्का सा चॉप कर लिया है और ये हम इसको मैं इस तरह डाल रही हूँ राउंड में चारों तरफ डाल देंगे। ये देखिए हमारा सेमोलिना कोकोनट केक तैयार हो गया, रेडी हो गया। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे रेसिपी देखने का थैंक यू।